ईडी की कार्रवाई से तिखा प्रतिक्रम देंदे आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने एक दो दिनों किसान अंदोलन में जाने का ऐलान किया है। एक वीडियो जारी करते हुए खैरा ने कहा कि जेकर भाजपा सरकार यह समझी है कि परचे दर्ज करके या छापेमारी करवा के मैं डराया जा सकता है तो यह गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि अगले दिनों में वह अंदोलन में जाने की कॉल देंगे और जिहड़ा भी केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ है किसान अंदोलन की हमायत करता है वह मेरे नाल किसान अंदोलन में शामिल होने जा सकता है। ईडी वालों लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के दोषों को बेबुनियाद दसदिया उन्होंने कहा कि ईडी की टीम उन्होंने घर में कोई भी फर्जी पासपोर्ट नहीं मिला है और ना ही कोई होर दस्तावेज मिले हैं। खैरा ने कहा कि वह किसान की हमायत में किसानी कोल में हिस्सा लेंदे आ रहे हैं और उन्होंने 26 जनवरी नवी दिल्ली में उत्तराखंड संबंधित नौजवान किसान नवरीत की हत्या मामले में भी न्यायिक जांच की मांग की। इस तो इलावा भी वो उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकन वाले नूं दबाने लई अक्सर अजिहियां कार्रवाइयां कीतियां जांदियां ने। इस तो पहला भी कई गायकां ते किसान हमायतियां ने घर भी केंद्रीय जांच एजेंसियां ने छापेमारी की है। खैरा ने कहा कि यह छापा उन्होंने घर में ही नहीं सगों मेरे हकों से मारा गया। उन्होंने कहा कि एक पास विधानसभा का सैशन चल रहा है और मैं आख्या कि मैं सबका विरोधी धिर का आगू और मौजूदा विधायक लिहाजा मेरा सैशन में जाना जरूरी है। उन्होंने इतों तक आख्या कि तुम घर की जिम्मे मर्जी तलाशी ले सकते हो पर फिर भी मैंने विधानसभा नहीं जान दिता गया। खैरा ने कहा कि जिन्होंने विधानसभा मेरे लिए आवाज़ चुकी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया इसलिए उन्होंने सारे विधायकों मंत्रियों से स्पीकर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वर्गे मामले नाल मेरा दूर दूर तक कोई भी लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज मैं अपनी जमीन बैंकों को गहने रख के खेती लिमिट बनाई हुई ने जिन्हों का हर साल 10% ब्याज लगता है जो कि 20-25 लाख रुपए बनता है और कई बार ब्याज की रकम देने लिए मेरे को पैसे नहीं होंगे जो मैं अपने दोस्तों से रिश्तेदारों तो उधार लेके अदा करता हाँ। खैरा ने कहा कि मैं जदों राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उदों भी सरकार ने मेरे से ड्रग का केस भर दिता सी पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी जबकि ईडी हुण उस मामले से मेरे घर मेरे परिवारक मैंबरों से रेड कर रहा है। ईडी आख रहा है कि मेरे घरों डायरिया मिलियां जिन्हां डायरिया की गल की जा रही है वह मेरी पत्नी ने बनाई ने जिस विच मेरे पुत्र अते धी दे विआह दे खर्चे की डिटेल लिखी गई सी। उन्हां डायरिया नूं ईडी ने कब्जे विच लै लिया। इस दे अलावा मेरी बेटी दे नाल वट्सएप चैट सी जिस विच बेटी ने 3 कैंसर मरीजां की 25-25 हज़ार रुपए की मदद की उस नूं भी ईडी ने कब्जे विच लै लिया और इस नूं मनी लॉन्ड्रिंग आख्या जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजकम टीवी। ईडी की कार्रवाई से तिखा प्रतिक्रम देंदे आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने एक दो दिनों किसान अंदोलन में जाने का ऐलान किया है। एक वीडियो जारी करते हुए खैरा ने कहा कि जेकर भाजपा सरकार यह समझी है कि परचे दर्ज करके या छापेमारी करवा के मैं डराया जा सकता है तो यह गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि अगले दिनों में वह अंदोलन में जाने की कॉल देंगे और जिहड़ा भी केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ है किसान अंदोलन की हमायत करता है वह मेरे नाल किसान अंदोलन में शामिल होने जा सकता है। ईडी वालों लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के दोषों को बेबुनियाद दसदिया उन्होंने कहा कि ईडी की टीम उन्होंने घर में कोई भी फर्जी पासपोर्ट नहीं मिला है और ना ही कोई होर दस्तावेज मिले हैं। खैरा ने कहा कि वह किसान की हमायत में किसानी कोल में हिस्सा लेंदे आ रहे हैं और उन्होंने 26 जनवरी नवी दिल्ली में उत्तराखंड संबंधित नौजवान किसान नवरीत की हत्या मामले में भी न्यायिक जांच की मांग की। इस तो इलावा भी वो उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज़ चुकन वाले नूं दबाने लई अक्सर अजिहियां कार्रवाइयां कीतियां जांदियां ने। इस तो पहला भी कई गायकां ते किसान हमायतियां ने घर भी केंद्रीय जांच एजेंसियां ने छापेमारी की है। खैरा ने कहा कि यह छापा उन्होंने घर में ही नहीं सगों मेरे हकों से मारा गया। उन्होंने कहा कि एक पास विधानसभा का सैशन चल रहा है और मैं आख्या कि मैं सबका विरोधी धिर का आगू और मौजूदा विधायक लिहाजा मेरा सैशन में जाना जरूरी है। उन्होंने इतों तक आख्या कि तुम घर की जिम्मे मर्जी तलाशी ले सकते हो पर फिर भी मैं विधानसभा नहीं जान दिता गया। खैरा ने कहा कि जिन्होंने विधानसभा मेरे लिए आवाज़ चुकी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया इसलिए उन्होंने सारे विधायकों मंत्रियों से स्पीकर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वर्गे मामले नाल मेरा दूर दूर तक कोई भी लेन देन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे से लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज मैं अपनी जमीन बैंकों को गहने रख के खेती लिमिट बनाई हुई ने जिन्हों का हर साल 10% ब्याज लगता है जो कि 20-25 लाख रुपए बनता है और कई बार ब्याज की रकम देने लिए मेरे को पैसे नहीं होंगे जो मैं अपने दोस्तों से रिश्तेदारों तो उधार लेके अदा करता हाँ। खैरा ने कहा कि मैं जदों राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उदों भी सरकार ने मेरे से ड्रग का केस भर दिता सी पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी जबकि ईडी हुण उस मामले से मेरे घर मेरे परिवारक मैंबरों से रेड कर रहा है। ईडी आख रहा है कि मेरे घरों डायरिया मिलियां जिन्हां डायरिया की गल की जा रही है वह मेरी पत्नी ने बनाई ने
जिस विच मेरे पुत्र अते धी दे विआह दे खर्चे की डिटेल लिखी गई सी। उन्हां डायरियां नूं ईडी ने कब्जे विच लै लिया। इस दे अलावा मेरी बेटी नाल वट्सएप चैट सी, जिस विच बेटी ने 3 कैंसर मरीजां दी 25,000 रुपए की मदद की, उस नूं भी ईडी ने कब्जे विच लै लिया। इस नूं मनी लॉन्ड्रिंग आख्या जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम टीवी।